बालाजी इन दिटारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन में हैं और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, ये रीडिंग उनके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एक बात, कोई कोई लोग ये पूछते हैं मैडम ये होगा वो होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा कि नहीं, मेरा ये राशि है मेरा वो राशि है, प्लीज़ एक बात का ख्याल रखिएगा, अभी मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ और इस तरह से किसी भी पर्सनल क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि तभी आपका वो एनर्जी मुझे देखना पड़ेगा, आपके बारे में मेडिटेशन करना पड़ेगा, वो सब मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। और प्लीज़ कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछिएगा, ज़बरदस्ती एनर्जी को खुद के साथ रेजोनेट करवाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। हो सकता है और भी बहुत सारे रीडिंग हैं जहाँ आपकी एनर्जी वहाँ मैच कर जाएगी, तो आप पर्सनली चीज़ों को मत लीजिएगा, जो है ये कलेक्टिव है, जो आपके साथ जाता है उसी के साथ आप जाइए, जो नहीं मैच कर रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, ये रीडिंग होगी 19 से लेके 25 तारीख तक की, सितंबर माह की, ये जो वक्त है इसमें आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, लेकिन आप नो कांटेक्ट में हो, वो पर्सन करंटली क्या सोच रहा है। कैप्रिकॉन, आप जिस पर्सन के साथ रिश्ते में होते हुए भी नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन में हो, वो पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में, और ये क्रॉस वॉचर भी देख सकते हैं, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, ये आपको पता होगा कौन सी एनर्जी आपके साथ मैच कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैप्रिकॉन, आप जिनके साथ रिश्ते में होकर भी नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हो, उस इंसान का करंट फीलिंग्स क्या है। द फूल के कार्ड, वो इंसान करेंटली एक अलग ही एनर्जी में है, एक बिंदास एनर्जी में है, ये किसी की रोक टोक सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, जो भी हुआ है जैसा भी हुआ है उस चीज़ को ख़त्म करके ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। उनको पता है कि वो जो भी करेंगे इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स होगी और अपनी एनर्जी को एक अलग लेवल की थॉट्स में वो ले जाना चाहते हैं, जिसमें एक प्योरिटी है, जो एक रिस्क लेने वाला एनर्जी है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस तरह की इनकी करंट की फीलिंग्स है। अभी देख लेते हैं द फूल के कार्ड को, अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कैप्रिकॉन फूल के कार्ड्स क्यों आए हैं। अगर हम फूल के कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि फूल के कार्ड्स क्यों आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। मुझे लगता है जिनके साथ आप रिश्ते में हो वो इंसान करेंटली इस स्थिति में इसलिए आया है कि उन्होंने बहुत सारा मेहनत किया है, चाहे वो पैसों के लिए हो चाहे अपने लाइफ के लिए हो, और रिश्ते को भी वो दोबारा एक मौका देना चाहते हैं। हो सकता है कोई पेनफुल सर्कल आप लोगों की रिश्ते में अभी अभी एंड हुआ है, किसी पेनफुल सर्कल का, जिसके चलते वो रिश्ते को सही करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि पैसों को लेके परेशानी, आप लोगों में मनमुटाव, किसी बात से परेशानी। हो सकता है उन्होंने आपको कुछ ऐसा कह दिया जिससे आप दुखी हो गए, अलग हो गए, या फिर रिश्ते में कोई अचानक से कोई ऐसा परेशानी आया था जिसके लिए वो तैयार नहीं था। कोई भी एक पेनफुल सर्कल आप लोगों ने जल्दी जल्दी अभी अभी ख़त्म किया होगा, तो अभी वो चाहते हैं उस सर्कल से खुद को बाहर निकालना और रिश्ते को दोबारा एक मौका देना, लाइफ को दोबारा एक मौका देना। जैसे पहले बेकार की परेशानी
सर पे लेके घूमते थे, बेकार की परेशानी में चलते थे, बेकार की चीज़ों में ध्यान लगाते थे। अभी वो इन सारी चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहते हैं, अपने अंदाज से जीना चाहते हैं, ना किसी की रोक टोक, ना किसी की दखलंदाजी। वो जो भी करेंगे अपने हिसाब से करेंगे और अपने अंदाज से करेंगे। ऐसा नहीं कि वो पहले ही ऐसे नहीं थे, लेकिन हो सकता है पहले किसी की सुनते थे, पहले किसी की बात सुनने से रिश्तों में गलत परिणाम आया है, क्योंकि उनको रिश्तों की अच्छा बुरा सब कुछ पता है और जो सर्कल उन्होंने कंप्लीट किया है उससे उनको बहुत ज़्यादा सीख मिली है। उसका जो अंतर मन है उसमें भी उनका परिवर्तन आया है। अभी उनको लगता है कि लोगों की बातें सुन के चलने से अच्छा है कि अपने मर्जी से सब कुछ किया जाए जिसमें अपनी खुशी होगी। इसीलिए करेंटली वो रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहते हैं। रिश्ते के लिए फिनेंशियल प्रॉब्लम अगर था तो पैसों के लिए मेहनत करना चाहते हैं और अपने आप की अंदाज से अपने मर्जी से रिश्ते को निभाना चाहते हैं। अभी देख लेते हैं वो चाहते क्या हैं। कैप्रिकॉन, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन में हो, आपके पर्सन चाहते क्या है? कैप्रिकॉन के पर्सन चाहते क्या है? प्लीज यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है, आप उनके लिए संदेश दीजिए। जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है कैप्रिकॉन के और जो नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए, प्लीज यूनिवर्स, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है और नो कॉन्टैक्ट में है कैप्रिकॉन, देख लेते हैं आपकी पर्सन चाहते क्या हैं। नाइन ऑफ कप्स, ये चाहते हैं कि उनका कोई विश पूरा हो जाए। हो सकता है आपके साथ दोबारा रिश्ते में आना ही उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, तो वो अपना इमोशन पूरा करना चाहते हैं, अपना विश पूरा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को हैप्पीली जीना चाहते हैं। अभी देख लेते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन के लिए नाइन ऑफ कप्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। प्लीज यूनिवर्स, कैप्रिकॉन के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है उनकी पर्सन की तरफ से नाइन ऑफ कप्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। वो नाइन ऑफ कप्स के कार्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि नाइन ऑफ कप्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। यस, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, टू ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो, वो जो इंसान आपके साथ रिश्ते में था, करेंटली वो जस्टिस करना चाहते हैं या फिर जस्टिस देना चाहते हैं, अपने लिए जस्टिस मांग रहा है। हो सकता है उनके पास और भी ऑप्शन था, हो सकता है पैसा और रिश्ता दोनों में परेशानी चल रहा था। मतलब अगर पैसे के लिए रिश्ते में परेशानी था, पैसों के लिए उन्होंने आपको वक्त नहीं दे पाया, पैसा नहीं दे पाया, अपना एफोर्ड नहीं दे पाया, तो अभी वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। हो सकता है वो उनको अभी ये एहसास हुआ कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ था, उन्होंने आपको जो जितना देना था उतना नहीं दिया, चाहे अपना वक्त हो, प्यार हो, पैसा हो, तो वो चाहते हैं कि वो अपना प्यार, अपना पूरा जो वक्त है, पैसा, वो सब कुछ आपको देना चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी इनजस्टिस हुआ था वो सही हो जाए, और जितना प्यार वो आपसे करते हैं, अगर वो पहले नहीं दिखाया, पहले नहीं आपको ये बताया कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, पहले अगर उनको ये पता नहीं था कि उनको चाहिए क्या, पैसा, ये प्यार, ये जगलिंग के मूड में थे, तो अभी ये चाहते हैं ये सारा चीज़ वो अपनी तरीके से करे, और जो चीज़ उनको पहले नहीं पता था अभी उनको ये पता चल गया है, क्योंकि चैरियट का कार्ड भी आया है, जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि वो खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं। जब हम किसी के साथ अन्याय करते हैं तो केवल उनके साथ अन्याय नहीं होता है, हमारे साथ भी होता है, क्योंकि हमने भी उस इंसान से प्यार किया है, हमने भी उनके लिए अपना वक्त दिया है, तो अगर हम उनसे मिसबिहेव कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो अपने प्यार के साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ अन्याय, मतलब अपने साथ अन्याय हुआ, तो ये इंसान अभी खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं और आपको वो जस्टिस देना चाहते हैं। आपको जस्टिस देके अपने लाइफ में एक विश पूरा करना, मतलब आप
को दोबारा से अपने लाइफ में लाके एक विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, ये प्यार देना चाहते हैं आपको किसी भी तरीके से, मतलब जिस भी तरीके से रिश्ते में प्रॉब्लम था, दोबारा से रिश्ते में आना चाहते हैं और आपको प्यार देना भी चाहते हैं। अभी देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के पर्सन का क्या एक्शन रहेगा 19 से लेके 25 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें कैप्रिकॉर्न का जो पर्सन है वो क्या एक्शन ले सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स, कैप्रिकॉर्न के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है उनकी पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है, प्लीज़ व्यूअर्स कैप्रिकॉर्न के जो भी। लेकिन कभी कभी ये इंसान दुविधा में चला आता है, उनको लगता है कि क्या मैं रिश्ते में फिर से जाऊं या ना जाऊं। हालांकि आपके साथ रिश्ते में रहना उनके लिए कुछ पूरा होने जैसा है, लेकिन कभी कभी ये दुविधा में भी चले जाते हैं। वो चाहते हैं आपके पास आना, आपसे मिलना, बात करना, ये चाहते हैं। खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं। हो सकता है जैसे मैंने कहा पहले बहुत सारे लोगों की बातें सुन के ये चलता था इंसान, लेकिन अभी ये अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ये कंफ्यूज भी हो जाता है। अभी देख लेते हैं इनका कैप्रिकॉर्न के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है यूनिवर्स, उनके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है। कैप्रिकॉर्न के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है उनके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है, प्लीज कैप्रिकॉर्न के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है जो सिंगल है या नो कॉन्टेक्ट में है। द वर्ल्ड के कार्ड, जैसा मैंने कहा कि आप लोगों का रिश्ता हो सकता है अभी अभी एक पेनफुल सर्कल से गुजरा है। आप लोग हो सकता है सालों से, हफ्तों से, महीनों से आप लोग एक दूसरे से अलग हो, या फिर बातें नहीं हो रहा है, या फिर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तभी तो ये नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन का रिश्ता है। लेकिन अभी ये इंसान अपने रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाहता है, अपने दुनिया को अलग तरीके से देखना चाहता है, ना किसी की सुनना, ना किसी के बारे में किसी की राय लेना, जो उनको अच्छा लगेगा ये इंसान वही करेगा। और ये चाहते हैं खुद के साथ जस्टिस करना, आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ये कन्फ्यूज़ हो जाता है। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि जो पुराना सर्कल था ये ख़त्म करके आपके रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना ये चाहते हैं। आपके साथ रहना, घूमना फिरना, अपने जो परेशानी था वो अभी अभी हो सकता है ख़त्म हुआ है या फिर करना चाहते हैं, करके दोबारा रिश्ते में जाना चाहते हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड यही बताता है, जस्टिस भी आया है। लेकिन ये इंसान कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है। अभी देख लेते हैं द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है, क्या ये इन दिनों इनके आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। ये रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं, रिश्ते को लेके फिर से सोचना चाहते हैं, ये एकदम कार्ड बता ही रहा है, दिखाई भी दे रहा है। लेकिन ये इंसान क्या एक्शन ले सकते हैं इन दिनों 19 से लेके 25 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इनका एक्शन क्या हो सकता है, देख लेते हैं इनका एक्शन क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स, कैप्रिकॉर्न के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए उनका पर्सन का क्या एक्शन हो सकता है। कैप्रिकॉर्न के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए उनकी पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है। अच्छा, मैजिशियन डेथ का कार्ड, हायरोफेंट। अगर मैं कहूँ ये इंसान दौड़ के आपके पास आएगा, एक्शन ले लेगा, तो ये गलत होगा। ये इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ये चाहता है नए सर्कल में जाना, ये रिश्ते को दोबारा से शुरू करना, लेकिन ये कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे पास्ट जो सर्कल था उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और अगर उनको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में जो जिस तरह से वो चाह रहे हैं उस तरह से कुछ नहीं हो रहा है, तो वो रिश्ते को अपनी तरीके से चलाना चाहते हैं। जैसा कि पहले भी उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि जस्टिस देना और जस्टिस खुद के साथ करना ये चाहते हैं। हाँ, ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए अचानक से कि सब कुछ सही हो जाए
और वो ये भी चाहते हैं कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इतना हिम्मत उनमें है, इतनी ताकत, इतनी साहस है कि वो चाहते हैं इन दिनों कुछ भी करें, क्योंकि उनको लगता है पावर उनके हाथ में है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वो खुद के बनाए हुए तरीके में रिश्ते को चला सकते हैं तरीके से, और उनको ये लगता है ये जो भी करेंगे इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स भी होगी। भगवान से खुद को रिलेट करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि भगवान ने उनको इतना पावर दे दिया है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उनको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत नहीं है। अगर एक्शन लेने के बारे में कहूँ तो उनको लगता है कि वो एक्शन ले सकते हैं, और वो जो भी करेंगे, जो भी कहेंगे, वो आप मानोगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन खुद आके अगर मैं कहूँ आपसे मिलना, बात करना, लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं। उनको चाहता है, उनको ये लगता है कि वो जिस भी तरीके से आपसे बात करेंगे, जिस भी तरीके से आपको अप्रोच करेंगे, जिस भी तरीके से रिश्ते में आना चाहे, वो उसी तरीके से रिश्ते में रह सकते हैं। किसी भी तरीके से वो रिश्ते में रहे, आप उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, ये उनको लगता है। ये चाहता है रिश्ता नए सर्कल में जाए। लेकिन देखो, रीडिंग के अंत आते आते ये लग रहा है कि वो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना तो चाहते हैं, पुरानी परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके लिए भगवान से प्रेयर भी कर रहा है, लेकिन अपनी तरीके से, मैजिशियन का कार्ड आया है ये, अपनी तरीके से सब कुछ करना चाहते हैं। उनको लगता है वो जो चाहे कर सकते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, मैनिपुलेटर है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि हर चीज़ उनके मुताबिक हो। ये भगवान से प्रेयर कर रहा है कि हर चीज़ उनके मुताबिक हो। ऐसे मिलने आना आने का ये सोच रहा है, लेकिन आ नहीं रहा है। ये रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। उस सब कुछ चाहिए उनको, लेकिन खुद से कुछ नहीं करेंगे। वो इतना ज़्यादा मैनिफेस्टर है, ये भगवान से मांग रहा है, मांग मांग के ये अपना उस जो है वो पूरा करना चाहते हैं। उनको लगता है कि भगवान उनके सुन लेंगे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इसीलिए ये भगवान से रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है कि जैसा वो चाह रहा है रिश्ता वैसा बन जाए। देखो, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना चाहते हैं। देखो, कोई कोई यहाँ क्रॉस वॉचर भी है, कोई ऐसा भी है कि उनके लिए सारे बात जायज नहीं है। कोई बात नहीं, और भी रीडिंग है, आप वहां जाके देख सकते हो। लेकिन जो सच्चाई है मैं वही बताऊंगी। ये इंसान अगर आपके साथ रिश्ते में आया भी, अभी आ भी रहे हैं, आना चाहते भी हैं, लेकिन ये आपको सावधान रहना पड़ेगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर है, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रखना चाहेंगे। रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन उस तरह से नहीं चाहते हैं जो प्यार से रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। हाँ, हमारे पुराने दिन ऐसे थे, ऐसे हमने बिताए, ये वो नहीं। ये रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं अपने तरीके से। ऐसा नहीं कि जैसे आप कहोगे, नहीं, अपने तरीके से, क्योंकि ये कंफ्यूज है ये बंदा। एक तो आपका जाना उनकी लाइफ से, फिनेंशियल लॉस कुछ कुछ हद तक है, इसीलिए ये पैसों के लिए काम कर रहा है। और एक बार जब टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है, ये सोच रहा है क्या रिश्ते में इन्वॉल्व होना है खुद के लिए या नहीं। मतलब ये जगलिंग भी कर रहा है अपने माइंड में। वो आपको भी देखता है, आपके साथ साथ पैसों को भी देखता है। पैसा इनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसीलिए ये रिश्ते को अपनी तरीके से चलाना चाहते हैं। परेशानी को ख़त्म तो करना चाहते हैं, लेकिन खुद आके नहीं। ये मैनिफेस्ट कर रहा है, गॉड से प्रेयर कर रहा है, भगवान से कह रहा है कि भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो। इनको लगता है कि ये सच है, ये बहुत ऑनेस्ट है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। इतने मेहनत से इन्होंने सब कुछ किया है, इनके पास वो सब कुछ है जिसके लिए आप इनके पास जाओगे, ये यही सोच रहा है। वर्ल्ड का कार्ड आया है, ये आप लोगों का रिश्ता नया सर्कल में जरूर जा रहा है। लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा कि इस तरह के थॉट्स अगर इंसान के हैं तो आगे चल के ये क्या कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं प्लीज यूनिवर्स, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है।
देख लेते हैं जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं कैप्रिकॉन के, उनके लिए यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं। कैप्रिकॉन के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए यूनिवर्स जी का गाइडेंस। जजमेंट, एट ऑफ कप, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि कोई एक तो है जो रिश्ते से मूव ऑन किया था, पेनफुल तरीके से मूव ऑन किया था, तो रिश्ते में मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप लोग रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, जजमेंट का कार्ड आया है। अगर रिश्ते में बच्चों के लिए आप रिश्ते में दोबारा से आना चाहते हो, कोई कारण तो है रिश्ते में, कोई एक है जिन्होंने बहुत सारा एफर्ट डालने के बाद भी सिर्फ इमोशन नहीं था, प्यार नहीं था, इसीलिए रिश्तों से मूव ऑन किया था। तो इस रिश्ते में मेहनत करने की ज़रूरत है। रिश्ते में दोनों को ही मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत की ज़रूरत है, गिव अप करने से नहीं चलेगा। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो रिश्ते में कुछ होने की चांसेस है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्स के कार्ड्स आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। रिकॉन्सिलेशन होगा लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी और सच्चाई के साथ, ऐसे नहीं कि मैनिपुलेशन के साथ, कोई माइंड गेम के साथ आप रिश्ते में दोबारा आना चाहते हो तो रिश्ता सही हो जाएगा। नहीं, सच्चाई के साथ रिश्ते में आने से रिश्ता सही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।